उस साल का पंडाल जो है हम लोग का बिहार का टॉप पंडाल था, गोल घर से 5 फीट ऊंचाई पंडाल जाने वाला है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपको इस बार का दुर्गा पूजा का किस तरह तैयारी किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या पंडाल बन रहा है उसको दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एतबारपुर बाजार है, और इस साइड जाएंगे तो परसा चले जाएंगे, और इधर जाएंगे आप इस साइड जाएंगे तो सिपाड़ा चले जाएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ये पटना का सबसे ऊंचा पंडाल होने वाला है, तमिलनाडु की मीनाक्षी टेम्पल जैसा है। आप अगर देखे होंगे तो उसी के तर्ज पे इस पंडाल का निर्माण जो है किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आखिर इस पंडाल को किस प्रकार बनाया जा रहा है, या फिर कहां से कारीगर इस पंडाल को बना रहा है, या फिर जो यहां पे दुर्गा जी बैठने वाले हैं वो बनाने के लिए कहां से कारीगर को बुलाया गया है। तो चलिए अंदर की तरफ। ये पंडाल का यानी यहां पे जो माँ दुर्गा बैठेंगे उसका मुख्य द्वार होगा, और यहाँ से जो भी भक्तगण आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे दशहरा के समय, चूँकि हर जगह सप्तमी को पट खुलता है जो दुर्गा जी का पूजा होता है, तो आते हैं पंडाल के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये पटना का सबसे बड़ा पंडाल होने वाला है, वो इसलिए चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि गोलघर की लंबाई जो है 95 फीट है, और इस पंडाल की इस बार की लंबाई जो होने वाली है वो 100 फीट की होने वाली है। पटना का सबसे ऊंचा पंडाल ये होने वाली है। तो यहाँ पे अगर पिछले साल की बात करते हैं तो पिछला साल यहाँ पे जो पंडाल बैठा था उसकी हाइट थी 80 फीट। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में कि इसका जो पंडाल का निर्माण किया जा रहा है वो मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु में है उसी के तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो आपने अगर मीनाक्षी मंदिर देखा होगा तो उसमें पंडाल मतलब मंदिर के ऊपरी हिस्से में छोटा छोटा मूर्ति बनाया गया, ठीक हूबहू जो है इस पंडाल में नक्काशी किया जाएगा, और उसके नक्काशी के लिए खास कोलकाता से यहाँ पे कारीगर आएंगे और उसका नक्काशी करेंगे, और साथ ही साथ जो भी इंटीरियर पार्ट है मतलब इंटीरियर है जहाँ पे माता बैठेंगे उसका मतलब सजावट का काम किया जाएगा। क्या नाम होगा आपका? आपका हमारा नाम सूरज कुमार है। एक्साइटेड है दुर्गा पूजा के लिए? हम बहुत एक्साइटेड है, उस साल भी एक्साइटेड थे और इस साल भी एक्साइटेड है। अच्छा। उस साल का पंडाल जो है हम लोग का बिहार का टॉप पंडाल था। अच्छा। और इस साल का भी लगता है टॉपे में जाएगा, गोल घर से ये ऊंचा होने वाला, गोल घर से 5 फीट ऊंचा पंडाल जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों में कितना एक्साइटमेंट लेवल है, आप बताइए कितना एक्साइटेड है मतलब दुर्गा पूजा के लिए, डीपी के लिए? बहुत एक्साइटेड है। तो यहाँ पे जो पंडाल बन रहा है उसके यहाँ पे कमेटी के जो मेंबर है उनसे हम जानते हैं इस पंडाल के बारे में, और यहाँ पे जो मूर्ति बैठता है उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है, क्या कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। बिट्टू यादव। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सुने हैं कि पूरे पटना का सबसे ऊंचा पंडाल होने वाला है। पूरा पटना का उस बार भी ऊंचा पंडाल था, इस बार भी पटना का पूरा ऊंचा पंडाल है, गोलघर से 5 फीट ऊंचा पंडाल है। यानी गोलघर का जो हाइट है वो 95 मीटर है, फीट है, और ये इसकी 100 फीट होने वाला है। अच्छा, तो मतलब ये पंडाल जो है किस तर्ज पे बनाया जा रहा है? ये मदुराई टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में, तमिलनाडु में। हाँ, पार्वती जी का मंदिर है वो। अच्छा? बहुत सुंदर सा मंदिर है, उसी का कलाकृति हम लोग यहाँ पे उतार रहे हैं। हाँ। वहाँ पे ऊपर में जो उसका गुंबद है उसमें बहुत अच्छा मतलब छोटा सा मूर्ति। हाँ, उस टाइप का ही बनेगा। तो मूर्ति कैसे लगाया जाएगा इसमें, किस चीज का लगाया जाएगा? उसमें थर्माकोल का हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, थर्माकोल का मतलब मूर्ति लगाया जाएगा, चारों तरफ सजाया जाएगा। चारों तरफ सजाया जाएगा। तो उसको मतलब कौन पंडाल का जो ये खूबसूरती दे रहे हैं जैसे मूर्ति लगाने का, वो कहाँ से लोग आए? वो लोग कलकत्ता से मधुपुर से काम करने के लिए आए हुए हैं, एक मंथ से काम चला है, पिछले एक महीने से काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो इसका अगर बोले तो इसका मतलब टोटल बजट कितना है इस पंडाल को बनाने में, कितना खर्च? लगभग 25 लाख का है। लगभग 25 लाख का ये पंडाल होने वाला, सोच लीजिए ये जो है लगभग 25 लाख का पंडाल होने वाला है। और जब यहाँ पे आएंगे आप लोग घूमने के लिए डीपी में दशहरा में तो इसको फील कर सकते हैं, चूंकि ये पटना का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा यानी लंबा पंडाल होने वाला है। और यहाँ पे पूजा के लिए क्या क्या इंतजाम होता है, जैसे कि कितना कलश यहाँ पे बैठाया जाता है? 9 कलश बैठाया जाता है। 9 कलश कहाँ पे बैठाया जाता है वो कलश? 9 कलश ये सामने स्कूल बनाए हुए अच्छे से बनाते हैं, इसमें कोई टर्च भी नहीं कर सके। अच्छा अच्छा, और जो भी यहाँ पे दर्शन कर ले आएंगे श्रद्धालु का कहाँ से दर्शन करते हैं? आगे मेन गेट से भी दर्शन करते हैं। अच्छा, फिर उधर से भी रास्ता रहता है, आप लोग इधर से भी निकल सकते हैं सब दर्शन करके। जो भी आएंगे मतलब उनको अच्छे से दर्शन, अच्छे से दर्शन। और एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पे रोड है काफी संकीर्ण है, तो उस समय आप लोग कैसे मतलब मैनेज करते होंगे? हम लोग सब जितना भी मेंबर है कमेटी का वो लोग सब बहुत एथिक करते हैं, मतलब सबके सहयोग से। सबसे सहयोग से। हाँ, और पुलिस भी बल भी देती है। हाँ, मतलब अगर कुछ भी होता है जैसे कि रोड है तो रोड तो चालू रहता है। हाँ, उसको आपको मतलब गाड़ी को भी आता है तो भी सलचाना मतलब होने रहना चाहिए। और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको भी दिक्कत नहीं? हाँ, दिक्कत नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग 25 साल से कर रहे हैं, 25 साल से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, और सुनने में आया कि यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए थे तो बोल रहे थे कि कुछ लेजर लाइट शो होने वाला है। मुंबई से टीम आ रही है, लेजर शो चलेगी। अच्छा। जो कि माँ का प्रतिमा आसमान में 40 से 50 फीट ऊंचा। अच्छा। उसमें माता
माँ मतलब दुर्गा 40 से 50 फुट ऊंचा मतलब क्या रहेगा? आसमान में दिखेगा माँ का जो माँ। अच्छा, लेजर लाइट से लाइट से दिखेगा? हाँ, लाइट से दिखेगा, टकराएगा पर्दा पे ना तो लाइट से दिखेगा। अच्छा, जब माँ दुर्गा महिषासुर का वध करते हैं। अच्छा, महिषासुर का वध करेंगे उसमें वो दिखाया जाएगा। और क्या कुछ रामायण का कुछ पार्ट ये सब भी चलते रहेगा और शंकर जी भी तांडव जो होता है शंकर जी का तांडव मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको मतलब अच्छे से दर्शन होने वाला। तो यहाँ पे मैं आया हुआ था एतबारपुर में, ये जगह पड़ता है एतबारपुर में। इस अगर आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो कुरथौल है और उस साइड सिपाड़ा है, उसी के बीच में ये एतबारपुर जगह है और कुछ लोग कुरथौल के नाम से भी जानते हैं चूँकि कुरथौल पास में ही है। और उसी जगह पे पटना का सबसे बड़ा पंडाल बन रहा है, आप लोग भी आइए दुर्गा पूजा में और आके दर्शन कीजिए और माँ से आशीर्वाद लीजिए और अपने मनोकामना को पूर्ण कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।